subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में 26 अफराद जां बहक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1302 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुतासर अफराद की मजमू तादाद 3,16,665 तक पहुँच गई है। रूसी सदर की वजीर आजम को शंघाई तावन तंजीम सरबरा इजलास में शिरकत की दावत। रूस इजलास की मेज़बानी और पाकिस्तान चीन समेत रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आम तनाज़ात और दहशतगर्दी इजलास के अहम मौजूआत होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी के केस में लड़की की उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत में आरजू फातिमा ने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि मैंने मर्जी से निकाह किया है, मेरी उम्र 18 साल है। जनवरी से हर खानदान सेहत कार्ड से इस्तेफादा कर सकेगा। वजीर सेहत KPK का कहना है कि सूबे के हर फर्द को सेहत कार्ड की फराहमी अहम कामयाबी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। पार्क्स और तफरी मुकामात शाम 5 बजे बंद कर देंगे। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 15,317 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,16,665 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 26 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,893 हो गई। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 26 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और मरने वालों की मजमूई तादाद 6,893 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1302 नए केसेस रिपोर्ट हुए और मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,16,665 तक पहुंच गई है। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 15,317 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,16,665 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 26 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,893 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 20,694 हो गई, पंजाब 1,05,535, सिंध में 1,47,787, खैबर पख्तूनख्वा में 40,022, बलूचिस्तान में 16,026, गिलगित बल्तिस्तान में 4,320 और आज़ाद कश्मीर में 4,491 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस के बाइस पंजाब में 2,385 और सिंध में 2,647 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 1,284, इस्लामाबाद में 229, बलूचिस्तान में 152, गिलगित बल्तिस्तान में 92 और आज़ाद कश्मीर में 104 हो गई है। शंघाई तावन तंजीम सरबरा इजलास 10 नवंबर को रूस में होगा। रूसी सदर प्यूटिन ने वजीर आजम इमरान खान को इजलास में शिरकत की दावत दी है, जबकि कोरोना की दूसरी लहर के बाइस इजलास वर्चुअल अंदाज में मुनक्किद होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी सदर प्यूटिन ने वजीर आजम इमरान खान को शंघाई तावन तंजीम सरबरा इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वजीर आजम सरबरा इजलास में बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक शंघाई तावन तंजीम सरबरा इजलास 10 नवंबर को रूस में होगा। रूसी सदर प्यूटिन ने वजीर आजम इमरान खान को इजलास में शिरकत की दावत दी। ज़राए का कहना है कि रूस इजलास की मेज़बानी और पाकिस्तान चीन समेत रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इजलास का हिस्सा होंगे, जबकि वजीर आजम इमरान खान सरबरा इजलास में बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे।
ज़राए के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के बायस इजलास वर्चुअल अंदाज में मुनक़िद होगा। कोरोना अफगान मसले समेत अहम तनाज़ात और दहशतगर्दी इजलास के अहम मौजूआत होंगे, जबकि इंसानी और मंशियात स्मगलिंग मुनज़्ज़म और साइबर जराइम पर भी गुफ्तगू होगी। ज़राए का कहना है कि चार मुबस्सिर ममालिक अफगानिस्तान बेलारूस ईरान मंगोलिया भी शिरकत करेंगे, जबकि तंजीम के मुज़ाकराती शराकत दार ममालिक आर्मीनिया आज़रबाईजान कम्बोडिया नेपाल श्रीलंका तुर्की की भी शिरकत मुतवक्के है। अदालत ने आरजू की उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि आरजू को लेडी पुलिस की तहवील में तिबी मुआयने के लिए ले जाया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। केस की मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी के केस में लड़की की उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस के आगा ने कहा कि अगर वो 18 साल की है तो उसका हक है जिसके साथ रहे। उसने खुद कहा है उसे अगवा नहीं किया गया। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने की केस की समाअत हुई। आरजू और अली अजहर को अदालत में पेश कर दिया गया। आरजू फातिमा ने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि मैंने मर्जी से निकाह किया है, मेरी उम्र 18 साल है। अदालत ने कहा कि दस्तावेजात के मुताबिक आपकी उम्र 18 साल से कम है। जस्टिस के आगा ने कहा कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो आपकी उम्र का फैसला करेगा। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने वफाकी वजीर शीरी मजारी की तरफ से वकालतनामा जमा करा दिया। वकील ने कहा कि लड़की कह चुकी है उसे अगवा नहीं किया गया। अदालत ने आरजू से इस्तफसार किया, आपको किसी ने अगवा किया है? आरजू ने कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मुझे शौहर से दूर नहीं करें। जस्टिस के आगा ने कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, किसी जल्दी में नहीं। अदालत ने आरजू की उम्र के तायुन के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि आरजू को लेडी पुलिस की तहवील में तिबी मुआयने के लिए ले जाया जाए। अदालत ने सेक्रेटरी हेल्थ को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया। केस की मजीद समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। मुआवन खसूसी कामरान बंगश ने वजीर सेहत तैमूर झगड़ा के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए काल ला रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए अवाम का तआवुन बहुत जरूरी है। शादी हॉल्स और तकरीबात की इजाजत रात 10 बजे तक होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुआवन खसूसी इत्तेलात कामरान बंगश का कहना है कि सूबे के हर फर्द को सेहत कार्ड की फराहमी अहम कामयाबी है। कोरोना पर काबू पाने के लिए एहतियात बहुत जरूरी है। पार्क्स और तफरीही मकामात शाम 5 बजे बंद कर देंगे। मुआवन खसूसी कामरान बंगश ने वजीर सेहत तैमूर झगड़ा के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए अवाम का तआवुन बहुत जरूरी है। शादी हॉल्स और तकरीबात की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। उसमें एहतियाती तदाबीर का अंदिया दे दिया है कि आवाम उसमें ताउन करे, जिसमें मास्क का पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग है। पार्क्स को एम्यूजमेंट पार्क्स जो है वो 6 बजे क्लोज होंगी, और इसके साथ साथ जो बाज़ार और मार्केट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो शादी हॉल्स वो रात के 10 बजे तक बंद कराए जाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा का शहरी कराची में भी हो, वो सेहत इंसाफ कार्ड का हकदार ठहराया गया है। शनाख्ती कार्ड ही अब हेल्थ कार्ड प्लस है। तैमूर झगड़ा का कहना था हर शहरी को सेहत की फरहमी तरजीही है। 31 जनवरी तक हर शहरी को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। सेहत कार्ड प्लस से हर घराने को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। प्रोग्राम के तहत सरकारी के साथ निजी अस्पतालों में भी इलाज होगा। ये फैमिली के बेसिस पे 10 लाख की कवरेज, जिसमें पूरे पाकिस्तान में 400 से ज्यादा पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कवर्ड है, और ये तकरीबन सारी इन पेशेंट सर्विसेज के लिए। इन पेशेंट यानी कि जब आपका दाखला होता है हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा आपको जरूरत होती है उस वक्त के लिए। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.